आप देख रहे हैं गर्जना नारी की। इस चैनल पर हम महिलाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। आप सोचेंगे आज झाड़ू मैडम कहाँ से ले आए। देखिए, आज झाड़ू पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। आज का मेरा अनुभव है कि मैं एक फ्रेंड से मिलने के लिए गई तो मैंने देखा कि चारों तरफ घर में गंदगी गंदगी, यानी कि कोई साफ सफाई, क्योंकि उनका रुझान है ही नहीं कि साफ सफाई की जाए। नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्चा आता है, वो एक झाड़ू को पैर लगा देता है। तो वो महिला क्या करती है, बड़े जोर से उस बच्चे को एक चाटा मारती और कहती है लक्ष्मी को पैर नहीं लगाती। तो मैंने उनसे बातें की, देखिए झाड़ू लक्ष्मी, इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा गया है कि आप साफ सफाई करें, आप इसका प्रयोग करें, आप इसका काम करें और घर में गंदगी नहीं रखें। ऐसा आप करेंगे तो घर का व्यक्ति कोई बीमार नहीं होगा। जब आप लोग बीमार नहीं रहोगे तो आप अच्छे से काम करोगे, अच्छे से काम करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी। इस तरह अगर हम पूजा करते रहेंगे झाड़ू की, तिलक लगाएंगे और कहते दिवाली पे पूजा करते, लेकिन इसका मतलब यही है कि हमें झाड़ू को प्रयोग में लाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में या धर्म में जब ही है कि भाई झाड़ू को मान्यता दी है, स्वच्छता का प्रतीक है वो, कि आप लोग साफ सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखें, यही मतलब है। ये अंधविश्वास नहीं है कि भाई झाड़ू घर में रखने से, झाड़ू की पूजा करने से पैसे आएंगे। बहुत से भारत के राज्यों में झाड़ू से कारोबार किया जाता है, छोटे छोटे तंतुओं से झाड़ू बनाई जाती है। कुछ राजनेता लोग हैं वो अपनी राजनीति के लिए भी कई बार क्या करते हैं, झाड़ू लगाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाते हैं, कुछ अपने रोजगार के लिए झाड़ू बनाते हैं उनको बेचते हैं, और कुछ लोग उसकी क्या करते हैं, सिर्फ घर में रखना, पूजा करना और काम उसका इस्तेमाल कम करना। लेकिन हर महिला सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार झाड़ू का प्रयोग करते हैं। झाड़ू का काम है सफाई करना, ना कि तिलक लगा के रखना।